जियो फोन नेक्स्ट के टॉप 5 अमेजिंग फीचर। ये काफी बड़े बड़े स्मार्टफोन्स में आती हैं आजकल, वो बिल्कुल टैबलेट की तरह बदल। सो हे गाइस, गाइस आप सभी कैसे हो। गाइस अभी रिसेंटली मैंने अपने चैनल पर जियोफोन नेक्स की अनबॉक्सिंग की है। अगर आपने अभी तक जियोफोन नेक्स की अनबॉक्सिंग नहीं देखी तो फटाफट से हमारे यूट्यूब चैनल पर जाओ और इस फोन की अनबॉक्सिंग देखना। मैंने वहां पर सभी फीचर्स वगैरह को बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया और जियोफोन नेक्स को अच्छी तरीके से दिखाया है। गाइस आज हम इस वीडियो में आप सभी को जियोफोन नेक्स के टॉप 5 अमेजिंग फीचर्स बताने वाले हैं, जिनको जान के आप भी बहुत खुश हो जाओगे। जी हाँ, जब मैंने ये सब फीचर्स ढूंढे तो मैं भी काफी ज्यादा खुश हो गया था। सो बिना आपका टाइम बर्बाद करें हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और फटाफट से बताते हैं जियो फोन नेक्स के टॉप 5 अमेजिंग फीचर्स। सो हे गाइस, मैं सुम, आप देख रहे हो टेक्निकल शब्द। फटाफट से वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन प्रेस कर देना। सो गाइस बिना आपका टाइम खोटी करे हम आ जाते हैं अपनी मोबाइल स्क्रीन पर, आपको जियो फोन नेक्स के टॉप 5 अमेजिंग फीचर्स बताते हैं। रुकिए रुकिए गाइस, मोबाइल स्क्रीन पर आने से पहले आपको एक जरूरी बात बता दूं, अगर आप इस वीडियो को अंत तक देखोगे तो मैं यहाँ पर आपको एक और फीचर बताऊंगा, टॉप 6 फीचर होगा वो, उसमें आपको काफी अच्छा फीचर आपको देखने को मिलने वाला है। सो वीडियो को अंत तक देखिएगा बिना स्क्रिप्ट करें। सो अब हम आ जाते हैं अपनी मोबाइल स्क्रीन पर। सो गाइज हम जियोफोन नेक्स के टॉप 5 अमेजिंग फीचर बताना स्टार्ट करते हैं। गाइज मैं आपको यहीं पर ही मेंशन कर दूं कि मैं वीडियो में एक और फीचर ऐड करूंगा जो कि टॉप 5 फीचर से अलग होगा और बहुत ही अमेजिंग फीचर है। सो अगर आपको वो फीचर भी देखना है तो वीडियो को अंत तक देखिएगा, बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। सो गाइज सबसे फर्स्ट हमारा फीचर आता है जियोफोन नेक्स के अंदर रीड अलाउ का। अगर आपके पास आपका दोस्त कोई मैसेज भेजता है या आप कहीं पर कोई न्यूज वगैरह पढ़ रहे हैं और आप उस न्यूज को पढ़ नहीं पा रहे, कहीं अटक गए हैं, या फिर वो इंग्लिश में आपको हिंदी में ट्रांसलेट करना है, तो इस फोन के अंदर इतना अमेजिंग फीचर है, उस फीचर का नाम है रीड अलाउ फीचर। जैसे कि आज मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूं, यहां पर आप देख सकते हो मैंने कुछ मैसेजेस भेजे हुए हैं। सपोज आपके दोस्त ने आपको व्हाट्सएप पर कुछ मैसेजेस भेजे, वो इंग्लिश में है या फिर आप उसको पढ़ नहीं पा रहे, तो आपको सिंपली यहां पर नेविगेशन बार पर क्लिक करना है। नेविगेशन बार पर क्लिक करने का यहां पर आपके सामने दो ऑप्शन होंगे, पहला ऑप्शन है ट्रांसलेट का, दूसरा ऑप्शन है लिसन का। अगर यहां पर आप ट्रांसलेट के ऊपर क्लिक करेंगे, सो गाइस ट्रांसलेट पर क्लिक करने का आपका जो भी टेक्स्ट है वो हिंदी में ट्रांसलेट हो जाएगा। ऐसा नहीं हिंदी में ही हो जाएगा, आप यहाँ पे 3 डॉट पर क्लिक करके अपनी लैंग्वेज भी चेंज कर सकते हैं। आपको किसी और लैंग्वेज में ट्रांसलेट वगैरह करना है तो यहाँ पर आप अपनी लैंग्वेज भी ट्रांसलेट कर सकते हैं। आप देख सकते हो जितनी भी मेरी मैसेज थी वो सभी हिंदी में ट्रांसलेट हो चुकी है। जियो फोन बेस्ट स्मार्टफोन है। अगर आप हम यहाँ पर दोबारा से क्लिक करेंगे इस जगह पर तो हमारा जो टेक्स्ट है वो दोबारा से इंग्लिश के अंदर आ चुका है। और गाइस आपको इसी टेक्स्ट को पढ़ने में दिक्कत हो रही है, आपको हिंदी में पढ़ना है, तो आपको दोबारा से हिंदी पर क्लिक करके और आप यहाँ पर सुने पर क्लिक कर सकते हैं। यहाँ सुने पर क्लिक करने के बाद आपका जितना भी टेक्स्ट है वो सभी मोबाइल खुद पढ़ के बता देगा। जैसे कि अगर आपको कोई टेक्स्ट पढ़ने में दिक्कत हो रही है तो आप उसको खुद सिलेक्ट कर सकते हो और सिलेक्ट करने का यहाँ पर सुने पर क्लिक करके उस टेक्स्ट को बड़े आराम से मोबाइल पढ़ के सुना सकता है। आप देख सकते हो जियोफोन नेक्स बेस्ट स्मार्टफोन है। सो आप देख सकते हो इस तरह से बड़े आराम से रीड अलाउ फीचर वर्क करता है। आप यहाँ पर लिसन पर क्लिक करके भी डायरेक्ट पढ़ सकते हो, सेम है लिसन पर क्लिक कर लो या ट्रांसलेट पर क्लिक कर लो, सेम ही है। लिसन पर क्लिक करने से आप तुरंत पढ़ सकते हो, ट्रांसलेट यहाँ से भी कर सकते हो। और गाइज एक और खास चीज है, आप यहाँ पर डायरेक्ट गूगल पर भी सर्च कर सकते हो। अगर आपको कोई चीज नहीं समझ आती तो आप यहाँ पर सीधे उसको सिलेक्ट करो उस वर्ड को और सीधे डायरेक्ट आप गूगल पर भी सर्च कर सकते हो। और आपको डायरेक्ट गूगल पर जितने भी इससे जुड़े हुए वीडियोज या लिंक्स वगैरह होंगे वो सभी आपको शो कर देंगे। आप देख सकते हो मेरा, मैंने अपना नेम सर्च किया, सब कुछ शो कर दिया। अब गाइस हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट फीचर की तरफ। सो गाइस इसका जो नेक्स्ट फीचर है वो हमको देखने को मिलता है कैमरा ऐप के अंदर। सो हम कैमरा ऐप फटाफट से ओपन कर लेते हैं। सो गाइस आप देख सकते हो हमने यहाँ पर कैमरा ऐप ओपन कर लिया। गाइस कैमरा ऐप के अंदर हमको एक नहीं दो फीचर देखने को मिलते हैं। सबसे पहला फीचर है स्नैपचैट का। गाइस इन्होंने यहाँ पर स्नैपचैट के साथ पार्टनरशिप करके और बहुत अच्छे अच्छे फिल्टर्स वगैरह यहाँ पर लगाए हैं। आप अपने फेस वगैरह पे अलग अलग फिल्टर्स वगैरह लगा के फोटोज वगैरह खींच सकते हो। और गाइस दूसरा फीचर मेरे को काफी अच्छा लगा, वो फीचर अगर आप इधर लास्ट में आओगे तो आपको ट्रांसलेट का फीचर देखने को मिल जाता है। अगर आप कहीं बाहर सिटी गए हुए हो, आपको कोई बोर्ड वगैरह दिखता है और आप उस बोर्ड में क्या लिख रहा है, सपोज वहां पर पंजाबी में लिख रहा है और आपको पंजाबी पढ़ना नहीं आती तो आपको उसे हिंदी में करना है या किसी और लैंग्वेज में करना है, तो सिंपली ऐसे एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पे ये बॉक्स लेता हूँ और इस बॉक्स की फोटो खींचता हूँ। तो ऐसे ही आज मैंने यहाँ पे इस बॉक्स की फोटो खींच ली। ये थोड़ी देर लोडिंग लेगा और लोडिंग लेने का यहाँ पर जो सब भी लिखा होगा उसको हिंदी में
ट्रांसलेट कर देगा जो भी आपने यहाँ पर भाषा सिलेक्ट कर ली होगी। तो ऐसे ही आप देख सकते हो यहाँ पर इसने यहाँ पर सिलेक्ट ट्रांसलेट कर दिया। आप चाहो तो यहाँ पर क्लिक करके और सुने पर क्लिक करके इसको सुन भी सकते हो और इंग्लिश में भी ट्रांसलेट कर सकते हो। आप देख सको बहुत अच्छी तरीके से इसका ये ट्रांसलेट वाला फीचर भी वर्क करता है। सो अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट फीचर की तरफ। गाइज नेक्स्ट फीचर भी आप सुन के काफी ज्यादा खुश हो जाओ। गाइज नेक्स्ट फीचर हमको देखने को मिल जाता है यहाँ पर डार्क मोड का। जी हाँ, आप जियोफोन नेक्स्ट के अंदर भी डार्क मोड ऑन कर सकते हो। सो गाइज इसके लिए हमको यहाँ पर सेटिंग्स के अंदर आना है और सेटिंग्स के अंदर आके यहाँ पे हमको डिस्प्ले के अंदर जाना है। आप जब डिस्प्ले के अंदर आओगे तो यहाँ पे आपको डार्क थीम देखने को मिलेगा। गाइज इसका नाम इन्होंने डार्क थीम रखा है, डार्क मोड नहीं रखा। आप इसको सेम टू सेम डार्क मोड की तरह चेक कर सकते हो क्योंकि गाइज जितना मैंने देखा है बिल्कुल डार्क मोड की तरह ही वर्क करता है। जैसे कि मैंने यहाँ पे इसे ऑन कर देता हूँ, ऑन करने का आप देख सकते हो यहाँ पे हमारा फोन पूरी तरह से डार्क मोड में कन्वर्ट हो चुका है। आप देख सकते हो जो नोटिफिकेशन पैनल है वो भी डार्क मोड में कन्वर्ट हो चुका है। इवन आप व्हाट्सएप भी ओपन करके देखोगे तो आपका जो व्हाट्सएप है वो भी बहुत अच्छी तरीके से डार्क मोड में कन्वर्ट हो चुका है। यूट्यूब ओपन करके मैं आपको दिखा दूं तो हमारा जो यूट्यूब है वो भी बहुत अच्छी तरीके से डार्क मोड में कन्वर्ट हो चुका है। और गाइस सभी एप्लीकेशन डार्क मोड में कन्वर्ट हो चुके हैं। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट फीचर की तरफ। गाइस नेक्स्ट फीचर तो बहुत ही अमेजिंग है, आप जान के ही खुश हो जाओगे। गाइस वो है सिस्टम नेविगेशन बार, यानी कि ये जो नीचे आपको बैक और होम और नेविगेशन की बार जो दिख रही है इनको आप चेंज कर सकते हो। जी हाँ गाइस, इसके लिए आपको सेटिंग्स के अंदर जाना है और सेटिंग्स के अंदर जाने का आपको नीचे जाना है और यहाँ पर सिस्टम पर क्लिक करना है। सो गाइस यहाँ पे आपको सिस्टम में आने का यहाँ पे आपको गेस्ट ट्रीज करके एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, यहाँ पर आना है और यहाँ पर आने का यहाँ पे आपको सिस्टम नेविगेशन देखने को मिलेगा। सिस्टम नेविगेशन के बाद यहाँ पे आपको जो दूसरा वाला ऑप्शन दिख रहा है आपको इस पर सिलेक्ट कर लेना है। आप जैसे ही इस वाले ऑप्शन पर सिलेक्ट करोगे तुरंत जो आपके फोन की नेविगेशन बार है वो चेंज हो चुकी है। आप देख सकते हो यहाँ पे पतली सी लाइन आ चुकी है। आप देख सकते हो ये काफी बड़े बड़े स्मार्टफोन्स में आती है आजकल, ये भी आपको प्रगति ओएस के अंदर यानी कि जियो फोन नेक्स्ट के अंदर देखने को मिलती है। अब आप यहाँ पर राइट और लेफ्ट स्वाइप करोगे तो आप बैक जा पाओगे बड़े आराम से और यहाँ से ऊपर तक स्वाइप करोगे तो आप सीधे बैक आ पाओगे। अगर आपको सभी एप्स खोलने हैं, मल्टीटास्किंग करनी है तो आपको इधर तरफ इसको इधर क्लिक करना है तो आप बड़े आराम से सभी एप्लीकेशन ओपन कर पाओगे और इधर तरफ आप होल्ड करके रखोगे तो आपका गूगल असिस्टेंट आ जाएगा। आप देख सकते हो गाइस आप बड़े आराम से इसकी नेविगेशन बार को भी चेंज कर सकते हो, ये भी मेरे को बहुत अच्छा लगा। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट फीचर की तरफ। सो गाइस नेक्स्ट फीचर हमारा है नोटिफिकेशन पैनल। जी हाँ गाइस, नोटिफिकेशन पैनल में वैसे तो आपको बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिलते ही हैं, लेकिन अगर आप यहाँ पे पेंसिल के आइकन पे क्लिक करोगे और स्क्रॉल डाउन करोगे नीचे तरफ तो आपको बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। आप देख सकते हो ऐसे यहाँ पे नाइट लाइट, डाटा सेवर वगैरह, आपको बहुत सारे ऑप्शन यहाँ पे इवन डार्क थीम तक देखने को मिल जाता है। आप इन सबको उठा उठा के ऊपर तरफ अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो जिससे क्या हो कि आपको डार्क थीम वगैरह ऑन करने में दिक्कत ना हो। आप बस ऐसे स्वाइप करोगे तुरंत आपका डार्क थीम वगैरह देखने को मिल जाएगा। सो आप देख सकते हो इसका नोटिफिकेशन पैनल भी बहुत अच्छी तरीके से कस्टमाइज किया गया है। अब गाइस आपने अगर यहां तक वीडियो देख लिया है तो बहुत अच्छी बात है, फटाफट से वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन प्रेस कर लेना। अब हम बताने वाले हैं इसका सिक्स और सबसे लास्ट फीचर जो कि मेरे को भी काफी अच्छा लगा। सो गाइस उस फीचर के लिए आपको स्क्रीन पर थोड़ी देर तक होल्ड करके रखना है और आपको यहाँ पर होम स्क्रीन होम सेटिंग्स पर जाना है। होम सेटिंग्स पर जाने का यहाँ पर आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, अलाउ होम स्क्रीन रोटेट्स। तो आप इस ऑप्शन को जैसे ही ऑन कर दोगे और फिर उसके बाद जब आप अलाउ करने का जब आप अपने फोन को मोड़ोगे तो जो आपका फोन है वो बिल्कुल टैबलेट की तरह बदल जाएगा। जी हाँ गाइस, आप देख सकते हो आप इस तरह से बड़े आराम से अपने फोन को बिल्कुल टैबलेट की तरह चला सकते हो बहुत ही इजीली तरीके से। गाइस ये फीचर भी मेरे को काफी अमेजिंग लगा था कि अगर आपको अपना फोन टैबलेट की तरह चलाना है तो आप सिर्फ इसको अलाउ होम स्क्रीन रोटेशन को ऑन कर दोगे तो आपका फोन टैबलेट की तरह चलने लगेगा। मैं यहाँ पर एक और बोनस ट्रिप आपको बता ही देता हूं। तो आप फिर से होम स्क्रीन पर टैप कीजिएगा और आप वॉलपेपर पर आओगे तो आपको यहाँ पर बहुत सारे मल्टीपल वॉलपेपर्स भी देखने को मिल जाएंगे। आप देख सकते हो मैंने यहाँ पर बहुत सारे वॉलपेपर ट्राई करके देखे, आप भी ट्राई कर सकते हो, कोई भी वॉलपेपर आपको बहुत सारे तरह के वॉलपेपर्स देखने को मिल जाएंगे। सो आप देख सकते हो यहाँ पर वॉलपेपर लगा लिया, एडजस्ट भी कर सकते हो आप बड़ा छोटा अपने हिसाब से और यहाँ पर राइट के आइकन पे क्लिक करके यहाँ पर आप अपने वॉलपेपर को सेट कर सकते हो। तीन ऑप्शन देखने को मिलेंगे, होम स्क्रीन, लॉक स्क्रीन या फिर होम स्क्रीन एंड लॉक स्क्रीन।
स्क्रीन, मतलब आप दोनों पर ही सेम वॉलपेपर लगाना चाहते हो। तो जैसे मैं यहाँ पे होम स्क्रीन और लॉक स्क्रीन पर क्लिक कर देता हूँ तो आप देख सकते हो मेरा यहाँ पे वॉलपेपर बहुत ही इजी तरीके से चेंज हो चुका है। सो गाइस ये कुछ इसकी 6 एंड 7 टिप्स थी जो मेरे को आप सभी को बताना था, टिप्स एंड ट्रिक्स। आपको कैसी लगी आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। गाइस मेरे को तो बहुत अमेजिंग लगी और बहुत अच्छी लगी, आप कमेंट करके बताइएगा आपको कैसी लगी। अगर आपने यहां तक वीडियो को देखा है तो वीडियो को लाइक करे बिना और चैनल को सब्सक्राइब करे बिना मत जाइएगा, फटाफट से लाइक और सब्सक्राइब कर दो। जैसे ही क्या मैंने, अगर आपको जियो फोन नेक्स्ट की अनबॉक्सिंग वीडियो देखना है तो उसका चैनल पर जाके आप देख सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज।